गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टैरी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। इतना धीमे इसलिए बोल रही हूँ यार, सब उठना चाहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखा नहीं लेकिन इधर बोल रही हूँ। एंड ये नींद आ रही है मुझे यार, 10 मिनट और सो जाती। सब सो रहे हैं यार, मैं उठ रही हूँ। तो सुबह सुबह शूट किया मैंने यहाँ 6 बजे के आसपास ही, मतलब सुबह 6 बजे की ऐसी होती है आप देखो। और इस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कुछ ऐसी चीज़ कैप्चर हो जाए कि मेरी वीडियो ही वायरल करते। अब समझ रहे हो क्या चीज़ कैप्चर कराना चाहती थी मैं? अरे भूत प्रेत वगैरह कुछ तो दिखता है यहाँ पे, परछाई उड़ती दिख जाती कुछ, कि मैं कहती देखो मैंने क्या देखा, और कुछ भी नहीं आया। ऊपर से टेम्पो में भजन और लग रहे, तो बेचारे कहाँ से टपकते हो? वो कहते पहले ये बन कर फिर आऊँगा। तो अभी हम हैं खरखुदा बस स्टैंड पे, और ये देखो ग्राहक कैसे निकल रहे हैं यहाँ। पूरा मतलब रोड ऐसे खाली पड़ा है, सुबह सुबह हम ही आकर यहाँ पर पधार रखे हैं। एंड गाइस मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा मन इतना ऐसा कर रहा है कि ना वीडियोस डालूँ इसके ऊपर, और मेरे को ऐसा मतलब फील हो रहा है कि देख के कि ये देखो पहले आप क्या जी 7:30 बजे का टाइम गलत है ना, तो जी आप जल्दी आया करें, इस टाइम रात को आया करें। आई भी इतनी जल्दी और कह रही है लेट आई हूँ, सबसे पहले हम ही मिल रहे हैं। मामा आज भी लेट है, वीडियो देख लेना। हाँ है उस स्टैंड पे, इस स्टैंड पे आना था मेन। मामा लेट हो तो हो। सभी पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला है। सो गिव द रिस्पॉन्स। प्लेन से उतरने के बाद फिर मामा के साथ ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। मामा हमें कभी बोर नहीं होने देते क्योंकि मामा कॉमेडी इतनी बेस्ट करते ना, आपको कभी सुनाएंगे ज़रूर। गांव को शहर से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ का रहन सहन, मिट्टी की खुशबू, लोगों का नेचर सब बेस्ट होता है। आप लोग भी ऐसे सोच रहे होगे ना कि मैंने इसमें पानी पिया था, लेकिन इसमें मैंने पानी नहीं चाय पी थी। तो वो भी पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं हम लोग, और मम्मी को जाना है ये क्या शौचालय पापा तो Turn right toward National Highway 44, then turn left. Wow, यार इतने टाइम से मेरे को ना 2 घंटे हो गए होंगे उसमें गाड़ी में बैठे बैठे, लेकिन सफर 1 घंटे का और रहता। अभी मेरे को थोड़ी जाना है, पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। धूप भी इतनी ज्यादा लग रही है, ओके ना, भूख भी लग रही है, धूप भी लग रही है, दोनों एक साथ। अभी अपनी मैं ना वो क्या कहते हैं CNG भरने वाला है, छाया है, मैं ही खड़ी हो जाती हूँ यार, काला थोड़ी होना है। पेट्रोल पंप पे ना मैं फर्स्ट टाइम ऐसे टॉयलेट कर वॉशरूम जा कर के आई मैं, ऐसा भी जाते हैं, मैं अकेली थोड़ी गई हूँ। देखो इधर का एरिया यार, यहाँ पे ना वीडियो बहुत रील्स वायरल होती हैं देखा मैं। चलो अब निकलते हैं, करते हो गया, यहीं पे बैठना है क्या? पहुंच जाएंगे और
देखो कितने टाइम से चले, पूरी कार गर्म हो गई इसलिए थोड़ा रोका हमने। फिर चलते हैं, फाइनली अम्बाला में तो आ गए। लेकिन है ना, यूट्यूब से है ना, मम्मी ने किसी का चैनल देखा था, उसको सर्च करके हम इधर आए हैं। इधर मम्मी के ना, मम्मी ने ना यूट्यूब पे एक शॉप देखी थी, उस शॉप को ढूंढते ढूंढते आज अम्बाला तक पहुंच गए हम। देखो अम्बाला की ये पुरानी वाली साइड है, पुरानी अम्बाला जो भी कहते हैं, पुरानी मार्केट, तो वो आई है। और देखो रास्ता देखो यार, पहले तो साथ में ये बस स्टैंड भी है। हम देखो यार कितना, मतलब 3-4 घंटे से चले हुए हैं, 4 घंटे तो हो ही गए होंगे आराम से। इतने पसीने, मतलब हालत खराब हो गई, खाना भी अभी तक नहीं खाया। सोच रहे थे कि पहले ना ये शॉप देखेंगे, देन कुछ करेंगे, क्योंकि तो बहुत टाइम से इसी के पीछे पागल हो रखे थे, एड्रेस देख देख के उसको। हाय चलो मिल तो गई, फोन कर करके तब आए हैं। ये देखो बस स्टैंड, अम्बाला बस स्टैंड। इधर मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगी अभी कि हम क्यों आए हैं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि अभी ये सरप्राइज है सब लोगों के लिए कि ये हम क्यों आए हैं यहाँ पे, स्पेशल क्यों आए हैं इधर। और आपको धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा, आप बस वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो। और अंदर जाकर ही बात करते हैं, मामा क्या कर रहे हो? ये मामा पीछे है ना गाड़ी को ठूसने वाले थे मेरे। हमने 8 चक्कर लगा लिए, आज 8 चक्कर लगाते लगाते तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। पता है इधर के लोगों को ये भी नहीं पता कि हम रहते कहाँ हैं, ऐसी जगह है। अब गेट भी नहीं खोल रहे, देखो भैया कैसे लोग आए। मतलब इधर के लोगों को है ना ये भी नहीं पता कि है ना वो कौन सी जगह पे रहते हैं, और उनके आसपास कोई बड़का इंटरनेशनल टाइप में कुछ है ये भी नहीं मालूम। क्या कर सकते हैं भैया, बादाम खाओ। मैडम हम गेट के आगे खड़े हैं, ये तो दरवाजा बंद है। भैया बादाम खाओ, बादाम भेजिए बादाम से। तो इधर के है ना इंसान, पता नहीं कैसा, जिससे भी पूछ लो ना कि हमें है ना इस सेक्टर 24 के 27वें प्लॉट पर जाना है, तो पता है क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता, हम नए हैं। सबको जिसको पूछे वो नए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो तुम, हम भी नए हैं, हम तो इतनी बार आ चुके हैं। ये देखो फैक्ट्री दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इस फैक्ट्री के 8 चक्कर लगा लिए हमने, तब जाकर इधर पकड़ा है ये सही तरीके से। यहाँ के ना रोड भी ऐसे कि इधर से उधर। भाई साहब मार दिया आज तो, मैं वीडियो बना रही, मेरे को भी कह रहे हैं रख दे भाई फोन, मैं मजे मत ले भाई, इतनी ज्यादा बादाम खाओ भैया बादाम, तुम्हारे लिए तो सस्ते भी कर देंगे। भाई इतना घूम लिया, हम तो इतना घूम लिए, मॉल से निकाल मेरे को वहां खड़ा कर दिया आपको, आप इधर के
इधर मुझे ये मिला छोटू सा टेडी बियर। इधर मेरी फेवरेट है ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये तो गाइस आ गई हूँ मैं घर पर और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं कि इतना ज़्यादा काम किया मेरे को, मतलब मैं छोटी बच्ची होती ना तो सिर्फ वीडियो पर फोकस करती, लेकिन वीडियो के फोकस के अलावा भी मैंने कुछ और भी देखा कि मतलब काम भी किया और मतलब वीडियो मैं बना सकती थी लेकिन मैंने वीडियो के साथ साथ काम भी किया। और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बारिश हुई थी और अंधेरा हो गया था, आधी वीडियो मेरी उस वजह से नहीं बन पाई और आधी मेरे को काम करते थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करके ही जाना। और गाइज बस इतना ही कहना था, टेक केयर, गुड नाइट। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अबे साले कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।